गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पोएम स्नो डॉग रिटन बाय टेड हग्स। इन दिस पोएम द पोएट सीज दैट द सन ड्रॉप इज़ अ वाइट फ्लावर्ड प्लांट एंड इट गिव्स बेल लाइक फ्लावर्स, जिसमें कि घंटी के कार के फूल लगते हैं गोल एकदम से। और ये कब उगते हैं? When bitter winds are blowing and the ground is covered with snow, जब पूरी जो धरती है किससे भरी होती है? बर्फ़ से भरी होती है। और कभी कभी इस प्लांट को जो है वो 8 inches ऑफ स्नो के बीच में से बाहर आना पड़ता है। और जो पोएट है ये यहाँ पे स्नो ड्रॉप को एक सिंबल के रूप में प्रयोग करता है, किसके? ऑफ फायरस विंटर, ठीक है। और पोएट जो है इसमें ये बताता है कि जो नेचर है वो बिल्कुल वेरी क्रूअल और हार्डलेस होती है इन द विंटर सीजन। तो इसमें पोएट क्या बताता है? और पोएट कहता है कि ये जो विंटर है ये इतनी क्रूअल होती है कि इसमें जो है जितने भी जो क्रिएचर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और जो विंटर जो है सभी प्राणियों की जो मूवमेंट को है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं दे रीच द पॉइंट ऑफ डेथ। तो और वह क्या है, दे नो लॉन्गर स्कीप अबाउट और फ्लाई एज दे यूज टू, कि वो उड़ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते जैसे कि वो करते हैं। इसमें जो पॉइंट है वो सारे जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में बताता है कि विंटर में जो एक स्नो ड्रॉप ही ऐसा प्लांट है जिसको कि फूल लगते हैं, और जो बाकी जो सब क्रिएचर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नाउ इज़ द ग्लोब श्रंक राइट राउंड द माउस डल वेंटरिंग हार्ट विजल एंड क्रो इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर राइट माइंड विद द अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ मंथ हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो इसमें जो कवि है वो क्या कहता है कि विंटर सीजन में जो पूरी अर्थ है वो कैसे लगती है, जैसे कि वो श्रंक हो गई हो, वो सिकुड़ गई हो ठंड की वजह से, और वो ठंड की वजह से फ्रीज हो गई हो। तो जो पोएट है वो इसमें जो ग्लोब है वो ग्लोब क्या है, दैट इज़ द वो अर्थ का एक मॉडल है, वो जो उसको जो है ग्लोब जो स्नो ड्रॉप्स है उसको ग्लोब समझता है, और जो कि जिसका कि राउंड हैंड है, किसकी तरह? ग्लोब की तरह। और तो जो कोल्ड विंटर है उसने इसके जो हेड को है फ्लावर जो है उनको भी श्रिंक कर दिया है। तो अब फिर पोएट क्या है माउस की तरफ देखता है कि और वह जो माउस जो है वो एक बहुत ही फुर्तीला क्रिएचर है, और ठंड की वजह से वो भी डल हो जाता है। तो जो स्टेट ऑफ विजल है और क्रो है वो भी इस सीज़न में वो भी उनका डिफरेंट हो जाती है उनकी एक्टिविटीज़। और जो इतनी ठंड में ऐसे लगता है कि वो जो है उनको ब्रास में कवर करके रख दिया हो। तो और वह इस ठंड में बहुत कम जो है अपनी मूवमेंट ओपन में कर सकते हैं। जो भी मूवमेंट वो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? सिर्फ डार्कनेस में। क्यों? क्योंकि सर्दियों में दिन को भी अंधेरा छाया जाता है, क्योंकि सूर्य बहुत दिनों तक देखने को नहीं मिलता, और दिन को भी ऐसे रात की तरह से धुंधला धुंधला सा रहता है। वो उसमें वो अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं वो। और जो ये एनिमल्स हैं वो भी इस फ्रीजिंग कोल्ड के कारण राइट मूड में नहीं होते, और वो सोचते हैं कि वो अपना शेल्टर पा पाएंगे भी या नहीं पा पाएंगे। और क्या है, वो डर में रहते हैं कि उनके साथ कुछ भी किसी टाइम भी हो सकता है इतनी ठंड में। तो इसके बाद क्या है, जो पोएट है
वो कहता है किसके बारे में बात करता है, स्नो ड्रॉप के बारे में बात करता है। कहते हैं कि ये जो है एक मार्वलस एबिलिटी है जो कि इसमें इतनी ठंड में भी वो फ्लावर्स उगते हैं इस प्लांट पे। तो क्या कि ये एक स्नो ड्रॉप ही ऐसा प्लांट है जिसको कि अपने इस मौसम में सर्वाइव करने के लिए एक्सेप्शनल पावर होती है। तो वो जो है कई बार अपने जो है अपने स्टेम को वो 8 इंचेस के स्ट्रो के बाद बाहर ले आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो फ्लावर है वो क्या है, वो उनका क्या पेल हैवी हेड है जिससे कि वो नीचे की तरफ झुके होते हैं जैसे कि किसी मेटल के बने हों, ठीक है। तो इसमें पोइट जो है वो चित्रित करना चाहता है किसको, ब्रूलिटी ऑफ नेचर इन द विंटर सीजन, कि विंटर सीजन में जो नेचर है वो कितनी क्रूअल हो जाती है। तो ठीक है बेटे, अब इसको आपने करना है तो मैं आपको ग्लॉसरी समझा देती हूँ। ग्लोब क्या है, स्नो ड्रॉप इज मेटाफोरिकली कॉल्ड ग्लोब बिकॉज ऑफ इट्स राउंडनेस, क्योंकि इसकी अपनी राउंडनेस के कारण इसको वो ग्लोब बोला गया है। डल्ड विंटरिंग हार्ट स्वीयर विंटर हैज़ रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ द माउस हार्ट। वीजल अ स्मॉल मैमल विद रेडिश ब्राउन फर एंड ए लॉन्ग बॉडी। मोल्डेड इन ब्रास फ्रोजन स्टिलनेस ऑफ क्रिएचर्स कंपेयर टू ब्रास इट डिपिक्ट्स देयर इमोबिलिटी, कि जैसे कि ब्रास में उनको डका गया हो ब्रास के साथ। अदर डेथ्स Severe winter cold, which is the cause of death. She too pursues her ends. Nature knows how to achieve her goals. ठीक है बेटे, ये ग्लोसरी भी अपने कर ली। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ हैज़ नेचर श्रंक द ग्लोब, पोइट बोल रहा है कि ये जो नेचर ने ग्लोब को कैसे श्रंक कर दिया है, किसके साथ, विंटर कोल्ड के साथ, ठीक है। तो ये जो नेचर है उसमें जो जितने भी क्रिएचर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, ठीक है। वट हैज़ डल द माउस हार्ट, माउस के हार्ट को किसने डल कर दिया है, स्वियर विंटर ने, कि वो जितना फुर्तीला वो क्रिएचर है वो उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। वट सफरिंग्स डू द एनिमल्स अंडर गो इन द पोइम, तो इसमें जो है कौन कौन सी सफरिंग्स जो है इतनी सर्दी में जो एनिमल्स हैं उनको होती हैं, वो क्या वो डल हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो स्पॉर्टिवनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो क्या एक अपने रहने के लिए एक शेल्टर ढूंढते हैं और वो बहुत टाइम वो क्या है वो डेथ के डर में रहते हैं कि कब उनकी मृत्यु आ जाएगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ 50 to 100 वर्ड्स ऑन हग्स व्यू ऑफ नेचर, तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द पोएम, तो समरी आप करोगे इसमें तो उसको वो लिख देना है। आगे है हर पेल हैड हैवी एज मेटल एक्सप्लेन, तो इसमें क्या है जो उसका पेल हेड है, क्या स्नो ड्रॉप का जो पेल हेड है वो क्या है वो मेटल की तरह हार्ड है, हैवी है। तो ये क्या है, ये एक स्नो ड्रॉप जो है फ्लावर है और इसकी जो शेप है बेल लाइक है और राउंड हेड है, तो जो इसका पेल हेड है वो क्वाइट हैवी है इसलिए वो नीचे की तरफ झुका होता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी हैवी मेटल से बना हो। तो ये क्या है, लेकिन जो जो हैवीनेस है वो हार्डनेस है वो क्या है वो सीक्रेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ है। तो समटाइम्स जो है इसको 7 इंच की बर्फ़ से बाहर आना पड़ता है। तो इसको जो है स्नो ड्रॉप को पोइट जो है वो एक्सप्लेन एज ए सिंबल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इन नेचर, ठीक है बच्चे। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द इमेजेस फ्रॉम द पोएम, वन इज डन फॉर यू। तो जैसे नेचर की क्या क्या इमेज है, माउस है, विजल है, क्रो है, सन ड्रॉप है, ठीक है। यूनिवर्स की क्या है, ग्लोब, स्टार्स, आउटर डार्कनेस, डेथ्स। मेटल का क्या है, ब्रास, ठीक है, समझ आ गई बच्चे। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास एक्सप्लेन द सिमिली यूज्ड
बाय द पोइट। तो इसमें क्या है, सर्दी का मौसम है, पोइट जो है एक वीजल को और क्रो को देखता है, और इस जो बिटर कोल्ड है दैट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट्स। तो अब क्या है, दे हैव लॉस्ट देयर यूजुअल स्पोर्टिवनेस एंड दे बिकम इमोबाइल, और जैसे वो लगते हैं जैसे कि दे आर मोल्डेड इन ब्रास। उसके बाद है एसोनेंस, क्या होता है, सिमिलैरिटी इन साउंड बिटवीन टू सिलेबल्स दैट आर क्लोज टुगेदर। तो इसमें क्या है, हमने देखना कि जो इसमें हमने देखना औ साउंड की जो है वो हमने लाइंस निकालनी है। राउंड द माउथ इज डल विंटरिंग हार्ट और मूव थ्रू एन ऑन आउटर डार्कनेस। तो इसमें दोनों में क्या है, औ साउंड आ रही है, जैसे राउंड माउथ आउटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एलिट्रेशन इज यूज्ड especially in poetry, it means the use of the same letter or sound in the beginning of words that are close together. तो जैसे है wintering heart, weasel and crow, और second है her pale head heavy as metal. ठीक है बच्चे, इनको करो और मुझे send करो। okay, thank you. Stay home, stay safe. Table, really.